हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए पचामी दो नंबर साइज की। तो जहाँ पर हमने 30 फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई उल्टी लगाएंगे इस तरह से, ऐसे पहले लगा लेते हैं। एक उल्टी सिलाई लगाने के बाद अब हम सीधी पे है, सीधी पे एक फंदा सीधा लेंगे, धागा करेंगे तो ये दो फंदे लेंगे सीधे, इस तरह से जाली बनाएंगे, इस तरह से लेना है। दोबारा आगे धागा करेंगे तो दो फंदे लेंगे सीधे, इस तरह से लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इसकी इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे, जाली बन जाएगी जी डोरी डालने के लिए। दोबारा आगे धागा करेंगे तो सब पूरी सिलाई हम इस तरह बना लेते हैं पहले। ये देखिए, तो हो गई हमारी कंप्लीट ये वाली सिलाई। तो ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई कर दी हमने कंप्लीट, अब हम सीधी पे हैं, सीधी सिलाई हम सिंपल बनाएंगे। तो तीन सिलाई लगा दी हमने, दोनों दूसरी उल्टी साइड से उल्टी सिलाई दो लगाई हमने, और ये जाली बनाई है सीधी साइड पे। फिर सीधी पे दिखाएंगे आपको। अब सीधी सिलाई लगा लेते हैं, सिंपल सीधी सिलाई लगानी है हमने। छह सिलाइयाँ लगा लेंगे हम सिंपल उल्टी सीधी, इस तरह से लगा लेंगे पहले। पर हमने आठ सिलाई बनाकर कंप्लीट कर दिया। अब जो 30 फंदे हैं, 30 के हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो हम सीधी सिलाई पे हैं, पहले सीधा फंदा ले लेंगे। तो अब ये दो का एक करेंगे, एक घटा लेंगे हम इस तरह से, घटाएंगे ऐसे, एक घटा दिए जहां पर। फिर हम ऑफ करके इसके बाद सेंटर से घटा लेंगे एक, जहां हमने 12 फंदे ले लिए, अब एक घटा लेंगे जहां से इस तरह। तो 13 फंदे हो गए हमारे, एक एक घटा दिया हमने, 13 बचे। तो अब हम पलटा के उल्टी सिलाई लगा लेंगे पहले, फिर दोबारा हम सीधी पे घटाएंगे, पहले उल्टी सिलाई लगा लेंगे पूरी। कर दी हमने कंप्लीट, अब हम सीधी पे हैं, दोबारा हम एक सीधा लेंगे तो एक घटा लेंगे, दो दो घटाएंगे दोस्तों हम, दो इस साइड से, दो इस साइड से घटाएंगे। पहले घटाया था एक, अभी घटाया है दो, दो घटा दिए हमने, तो जहां से भी अभी घटा लेंगे, जहां से घटा लेंगे एक, जहां हमने 10 फंदे आए हैं हमारे, और एक और घटाएंगे इस तरह से। दो दो घटा दिए हमने दोनों साइड से। अब हम सिंपल सिलाई बना लेंगे, पहले एक साइड से पुंछ बनाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से बनाएंगे। जे उल्टी सिलाई लगा रहे हैं हम, तो जे दोस्तों दो और तीन के लिए 30 फंदे डाले थे हमने। तो और ऊपर से, जहां ऊपर से हमने बनाई थी 8 सिलाई, तो आगे नीचे हमने पोंचे की साइड से बनाए हैं 10 सिलाई बनाएंगे। अब हम 10 को इस तरह से बनाएंगे। तीन सिलाई हो गई हमारी, अब चौथी सिलाई बना रहे हैं हम। अब हम इसमें नहीं घटाएंगे, सिंपल सिलाई बनाएंगे, दो दो घटा दिए हमने पहले के, तो अब हम जहां पर देखिए, जहां पर हमने 10 सिलाई कंप्लीट कर दी पोंचे की साइड से, ऊपर से हमने बनाई थी 8 सिलाई, और नीचे पोंचे की साइड ने हमने बनाई है 10 सिलाई। 10 सिलाई बनाने के बाद अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये दोस्तों दो और तीन नंबर साइज के लिए बना रहे हैं हम। 0 से 1 के लिए हम 20, आप 20 फंदे डाल सकते हो, और 4, 5, 6 नंबर साइज के लिए आप 40 फंदे डाल सकते हो। तो उसमें आप ये पोंचे बना दिया हमने, इसको बंद कर लेंगे काट के। फिर हम ये बनाएंगे, ये भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो पहले बना लेते हैं हम, फर्स्ट वाला पोंचे बना दिया हमने, अब सेकंड वाला पोंचे बनाएंगे। इस तरह से धागा लगा लेंगे ऐसे, सीधा फंदा ले लिया, इसके बाद हम घटाएंगे, एक घटा लेंगे इस तरह से। अब सिंपल फंदे ले लेंगे, एक जहां से घटाएंगे हम इस तरह से, जैसे हमने एक एक घटा दिया।
अब हम उल्टी सिलाई उल्टी लगा लेंगे, फिर दोबारा हम सीधी पे घटाएंगे एक एक और दो दो घटा लेंगे। उसके बाद हम सिंपल सिलाई बना लेंगे, 10 सिलाई बना लेंगे सिंपल, फिर हम स्टिच कर लेंगे साइड से। इसको स्टिच कर लेते हैं इस तरह से, पहले जहाँ तक करेंगे जहाँ तक, फिर चे करेंगे हम इस तरह से। ऐसे करेंगे स्टिच। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना हमें इस तरह से। फिर हम इसमें डोरी डालेंगे, ये जो हमने जाली बनाई है, हमने जहाँ स्टिच कर दिया पचामी को, डोरी बनाएंगे हम क्रोशी से। डोरी बना के फिर डालेंगे, हमने बना दी जहाँ डोरी भी लगा दी इसमें। ये देखिए कैसी लगी पजामी खाना जी की, 2 और 3 नंबर साइज के लिए बनाई है हमने, देखिए। और हमने इस वीडियो के ऊपर लिंक डाला है, उसमें मैंने सब पजामियों के मेजरमेंट दिए हैं, उसमें आप देख सकते।